मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहित अरोड़ा एंड टुडे वी आर डिस्कस सॉइल टेम्परेचर यानी मृदा ताप। तो मृदा ताप को आज अपने डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो मृदा ताप को वन बाय वन पहले तो अपने ये समझ लेते हैं कि मृदा ताप होता क्या है, फिर क्या है उसका महत्व करेंगे और उसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम समझते हैं कि मृदा ताप है क्या, मृदा ताप क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो सूरज से विकिरण आती है, विकिरण का मतलब जो सूरज से किरणें धरती पर पड़ती हैं और कुछ गर्म वर्षा होती है, गर्म वर्षा क्या मतलब अम्लीय वर्षा वगैरह या कुछ ज़्यादा टेम्परेचर के कारण जो गर्म वर्षा होती है, प्लस भूमि के अंदर या मृदा के अंदर जो जैविक और रासायनिक प्रक्रम होते हैं, कहने का मतलब है जैविक और रासायनिक क्रिया होती है, तो इन सब चीज़ों के कारण मृदा का जो तापमान है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, मृदा क्या है, गर्म हो जाती है। किससे? सूर्य विकिरण से, गर्म वर्षा से, जैविक और रासायनिक प्रक्रम से। ठीक है, इससे क्या है, मृदा क्या है, गर्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, महत्व क्या क्या है इसका, इसके मृदा ताप के महत्व की अपने बात करेंगे तो बीजों का अंकुरण और पौधों की वृद्धि। ठीक है, बीजों का अंकुरण और पौधों की वृद्धि। तो स्टूडेंट्स, जो बीजों का अंकुरण होता है अपने, उस पर क्या है, मृदा ताप का बहुत बड़ा इफेक्ट इस पर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो मृदा ताप अगर ज़्यादा पड़ेगा तो होगा क्या, क्या होगा? देखो, अंकुरण के लिए हर फसल के तीन तरह के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। एक तो अंकुरण के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, फसल वृद्धि के लिए अलग तापमान चाहिए और पकते समय, फसल पकते समय अलग तापमान चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लो अंकुरण के टाइम 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया तो होगा क्या, फिर वो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, आपका अंकुरण जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स, मेरी आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बीजों का अंकुरण और पौधों की वृद्धि भी अच्छे से होगी। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा है आपका जड़ों की वृद्धि, जड़ों की वृद्धि। ठीक है, जड़ों की वृद्धि के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। देखो, जड़ों की वृद्धि भी तब हो पाएगी जब उसको एक उपयुक्त तापमान मिल पाएगा, अगर उपयुक्त तापमान नहीं मिल पाया तो जड़ों की वृद्धि भी नहीं हो पाएगी। थर्ड आपका मृदा से पोषक तत्व है जल अवशोषण करना। ठीक है, देखो जल अवशोषण कौन करता है, कौन करता है? देखो, जल अवशोषण पौधे में जाइलम करता है। ठीक है, जल जो ऊपर ले जाने का है और पोषक तत्व ले जाने का कार्य फ्लोएम करता है। लेकिन ये दोनों का मैं क्यों करते हैं, उचित तापमान हो तभी ये दोनों दोनों जो कंपोनेंट हैं वो एक्टिवेट रहते हैं। अदरवाइज अगर तापमान कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो होगा क्या, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ है आपका उपज। ठीक है, उपज की बात करें, जनरली क्या है, 17 डिग्री ताप पर क्या है, पौधों की उपज अच्छी होती है। उपज के टाइम का तापमान बात कर रहा हूँ, वृद्धि का नहीं कर रहा। ठीक है, इससे अगर बहुत कम हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया फिर समस्या आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या, अपनी उपज क्या है अच्छे से नहीं हो पाएगी, दाना या तो बहुत ज़्यादा सूख जाएगा या उसके अंदर ज़्यादा नमी रहेगी और फिर कीट या रोग वगैरह उत्पन्न होंगे। ओके स्टूडेंट्स, पांचवा पॉइंट अपना मृदा जीवाणुओं की क्रियाशीलता। देखो, मृदा के अंदर कौन कौन से जीवाणु हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से जीवाणु हैं? तो मृदा के अंदर सबसे ज्यादा मैंने बताया भी था शायद पहले कि बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है एक्टिनोमाइसिटीज, फिर कवक और फिर एल्गी। ठीक है, ये चारों क्या है, ये चारों सूक्ष्म जीव होते हैं मृदा के अंदर, लेकिन इनकी क्रियाशीलता भी उचित तापमान पर ही होती है, जैसे 50 से 104 डिग्री फारेनहाइट की बात हो रही है। ठीक है, इतना का मतलब है लगभग ये बढ़ जाता है आपका 30 से लेके 40 के बीच बीच को होता है, 40 से 42 के बीच बीच। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड की बता रहा हूँ, ये फारेनहाइट में 50 से 104 फारेनहाइट है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो 30 से 40 42 समथिंग तक, 30 से 42 तक मान सकते होगा। ठीक है, इस ताप पर क्या है, मृदा जीव क्रियाशील रहेंगे और क्रियाशील रहेंगे तो उसमें जैविक और भौतिक क्रियाएं, जैविक और रासायनिक क्रियाएं अच्छे से हो पाएंगी। अगर इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फिर क्या है, मृदाओं के जीवाणुओं की क्रियाएं अच्छे से नहीं हो पाएंगी। सिक्स है अपना कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन। ठीक है, मृदा जो है जनरली चार चीज़ों से मिलकर बनी है, खनिज पदार्थ,
कार्बनिक पदार्थ, मृदा वायु और मृदा जल, ठीक है, ये चार चीज़ों से बनी है स्टूडेंट। अगर जो मृदा और कार्बनिक पदार्थ का छेदन होता है वो होता है 45 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने ताप पर क्या कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होता है। विच्छेदन का मतलब वो छोटे छोटे पदार्थों में टूटते हैं, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो फिर ताप के कारण उनका बहुत ज़्यादा अपघटन हो गया, तो फिर कार्बन की मात्रा भी कम होने लगेगी, ठीक है। तो 45-50 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर होता है तो मृदा के अंदर कार्बन की मात्रा घटने लगती है, क्योंकि ज़्यादा ताप से कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होने लगता है। इसलिए स्टूडेंट जो पश्चिम राजस्थान की मृदाएँ हैं उसमें कार्बन की मात्रा 0.1% है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारकों की अपने बात करते हैं तो इसके 6-7 कारक हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है आपका मृदा की प्रकृति, ठीक है। मृदा की प्रकृति कैसे होनी चाहिए? देखो मृदा की प्रकृति, अगर मान लो भारी मृदा है तो वो क्या है, जल्दी गर्म नहीं हो पाएगी। अगर हल्की मृदा है तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो मृदा की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, प्लस उसकी संरचना कैसी है, उसका कणाकार है, उस पर भी मृदा ताप काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका मृदा का रंग। अगर गहरे रंग की मृदा है तो वो ताप को जल्दी अवशोषित कर लेगी, ठीक है, ताप को ज़्यादा अवशोषित कर पाएगी। और अगर हल्के रंग की मृदा है तो वो फिर ताप को अवशोषित नहीं कर पाएगी, ठीक है। और गहरे रंग की मृदा क्या है, ज़्यादा गर्म होती है नहीं होती बताओ, देखो ग्रहण कर लेती है, ठीक है, ग्रहण कर लेती है, गर्म नहीं होती, ठीक है, ग्रहण कर लेती है। और हल्के रंग वाली मृदाएं क्या, उसको सहन नहीं कर पाती, जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या अवशोषित कर लेती है गहरे रंग वाली मृदा, इसलिए जो अपने कोटा साइड की मृदाएं जो हैं वो क्या है, जल्दी गर्म नहीं होती। दक्षिण राजस्थान की मृदाओं के, ठीक है, दक्षिण राजस्थान की मृदाएं थोड़ी जल्दी, ठीक है, नहीं हो पाती। थर्ड है अपना मृदा आर्द्रता। मृदा आर्द्रता का मतलब मृदा में पानी की मात्रा कितनी है। अगर आर्द्रता ज़्यादा होगी तो मृदा ताप का मृदा क्या, जल्दी गर्म नहीं होगी, लेकिन आर्द्रता अगर कम है तो मृदा क्या है, जल्दी गर्म हो जाएगी, सिंपल। फोर्थ अपना वनस्पति आच्छादन। वनस्पति आच्छादन का मतलब कोई भी मृदा जो है भूमि जो है वनस्पतिक पदार्थों से ढकी हुई है, तो उस पर सूरज किसी भी किरणें नहीं पड़ती और उसका क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। लेकिन अगर वो भूमि खाली है, पड़ती है, तो उस पर क्या है, ज़्यादा वो सूरज के ताप से जल्दी गर्म हो जाएगी। फिफ्थ आपका मृदा भूमि का ढाल। अगर कोई ढालू भूमि है तो ढाल पर सीधी किरणें पड़ती हैं, ठीक है, तो होगा क्या, जिस ढाल पर मान लो उत्तरी गोलार्ध पर सीधी किरणें पड़ती है तो ये ढाल जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है, और जबकि इसका नीचे वाला सिरा जल्दी गर्म नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने वायु की, ठीक है। देखो वायु क्या है, वायु चलनी शुरू होती है मकर रेखा, कर्क रेखा जो अपने है इनसे चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये रेखाएं, मान लो अगर ये भूमध्य सागर रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य सागर के यहाँ से हवा चली हो, लेकिन जैसे ही भूमध्य सागर पर पहुंचती जाएगी तो वायु क्या होती जाएगी, गर्म होती जाएगी। और गर्म वायु क्या करती है, मृदा को गर्म कर देती है, और मृदा को गर्म कर देगी तो वो क्या, मृदा को नुकसान पहुंचेगा, तो ज़्यादा नुकसान नहीं करना है अपने का। वैसे तो मृदा गर्म हो तो उसके अंदर कीट और रोग है वो भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें क्या है, हमारे सूक्ष्म जीव भी नष्ट होने लगते हैं। लास्ट है आपका ऋतुएं, ठीक है। ऋतुएं का मतलब अलग अलग ऋतु होती ना, सर्द ऋतु, गर्मी की ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है। तो शीत ऋतु, अगर मान लो शीत ऋतु, शीत का मतलब क्या है, ठंड है, अगर मृदा ठंडी है तो मृदा ताप का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मृदा गर्म ऋतु है तो मृदा में क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है, और मृदा गर्म होगी तो मृदा का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने ये वाला टॉपिक अपने डिस्कस किया आज, मृदा ताप, ठीक है स्टूडेंट। पहले अपनों ने समझा था मृदा ताप क्या है, कि सूर्य विकिरण, गर्म वर्षा और भूमि में होने वाले रासायनिक और जैविक प्रक्रम के कारण जो मृदा का ताप बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, मृदा ताप बोलते हैं। जो मृदा गर्म हो जाती है उसको मृदा ताप बोलते हैं, ठीक है। फिर अपने इसके महत्व किए जो 6th पॉइंट थे, और फिर मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो 7th पॉइंट है। कल जो अपने टॉपिक करेंगे वो करेंगे मृदा वायु, ठीक है, मृदा वायु का टॉपिक जो है वो अपने कल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और आई होप कि तुम सारी क्लासे अच्छे से पढ़ रहे हो, लिंक वगैरह भेज रहे हैं टाइम टू टाइम, अच्छे से पढ़ते जाओ, देखो तुम्हारे लिए किया जा रहा है ये सब, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दिया करो, सर ये समझ नहीं आया, मैं वापस समझ लूँगा,
तो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।